यमुना में पंचक्की लगाकर निकाला जा रहा है मोरंग, जिम्मेदार मौन। कौशाम्बी जिले में इन दिनों मोरंग कारोबारी एनजीटी नियमों के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यमुना नदी के बीच धारा से पंचक्की लगाकर मोरंग निकालना हो या फिर पॉकलैंड लगाकर यमुना से मोरंग निकालने का काम कौशाम्बी जिले में खुलेआम हो रहा है। मोरंग कारोबारी अपने भूखंडों से हटकर कई भारी मशीनें लगाकर अवैध खनन कर रहे हैं। कारोबारियों की ऊंची पहुंच के चलते अधिकारी भी कुछ भी बोलने से डरते हैं। मोरंग माफिया अब इतने मनबर हो चुके हैं कि अवैध खनन और पंचक्की की खबर कवरेज करने गए पत्रकारों को भी बंदूकधारियों के दम पर मारपीट कर अपहरण की कोशिश करते हैं। ताजा मामला महेवाघाट थाना क्षेत्र के नौबस्ता मोरंग घाट का है, जहां अवैध खनन और पंचक्की की सूचना मिलने के बाद पत्रकार खबर कवरेज करने गए, लेकिन दबंग खनन माफिया ने असलाधारियों के दम पर दौड़ लिया। गनीमत रहे कि पत्रकारों ने गांव के ही एक घर में खुद को कैद कर अपनी जान बचाई। ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मोरंग विवाद में दो कारोबारी ही आमने सामने हो गए थे, जिसमें एक अधेड़ की जान चली गई थी। ऊंचे रसूख और धन बल के आगे जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। एक्चुअली में कुछ घाटों पर कुछ दिनों से अनियमितता की शिकायत आ रही थी, खासकर महेवाघाट घाट थाने में। उसमें कल डीएम साहब का निर्देश आया था, तो उसी में हम और एसडीएम साहब समस्त घाटों का जो है निरीक्षण किया गया, खासकर महेवाघाट थाने में पड़ने वाले। क्या सूचना मिली? कुछ अनियमितता थी, कुछ ये था कि जलधारा से खनन किया कार्य किया जा रहा, तो उसी सिलसिले में हम लोग मौके पर गए। कुछ देखिए आपत्तिजनक सामान तो मिला था, उससे संबंध में जो है हम लोग एसओ को भी वहाँ मौके पर बुलवाए थे, उनको हम लोगों ने निर्देशित भी किया है और उस संबंध में पट्टेधारक को नोटिस भी हम लोग दे रहे हैं। घाट कोई विशेष घाट नहीं था, महेवा घाट थाने में जितने अंतर्गत जितने भी पट्टे चल रहे हैं सभी का निरीक्षण किया गया था।